हे गाइस, आपका स्वागत करते हैं बहुत दिनों के बाद में आपके चैनल विमल प्रकाश मिंज में। और हम लोग बहुत ही अच्छा लग रहा है काफ़ी दिनों में। बेसिकली हम लोग पुराने जितने भी फुटेज है वो सबको मैं डालने की कोशिश कर रहा हूँ, और आप लोगों का ढेर सारा प्यार मिल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और ऐसे ही ढेर सारा प्यार देते रहिए, और प्यार देते रहिए मतलब आप लोगों का वास्तव में बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और सब्सक्राइब करते जा रहे हैं, जितना बोलता हूँ उससे ज़्यादा सब्सक्रिप्शन हो रहा है, और लोग लाइक कर रहे हैं, और बहुतों को पसंद आ रहा है, कमेंट कर रहे हैं वीडियोज़ में और चैनल में, बहुत अच्छा लग रहा है बेसिकली। तो हम लोग आपको धन्यवाद देना चाहते हैं, जितना भी देंगे वो कम होगा, तो ऐसे ही प्यार देते रहिए, अच्छा लगता है। ओके, सो गाइस, अभी मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूँ। विलंकनी का टूर है 30 सितंबर को, इसी महीने हम लोग तो टेक ऑफ करेंगे, और वो फ्लाइट से ही है। तो जिन लोगों को तो हमारे साथ जुड़ना है, आप लोग हमारे साथ आ जाइए 30 सितंबर को। हम लोग दशहरा के लिए पूरा हम लोग उधर विलंकनी में दर्शन करेंगे माँ मरियम का। और चूँकि आज 8 सितंबर है, आज माँ मरियम को आप लोगों की तरफ से बहुत बहुत सारी शुभकामनाएँ देते हैं, बधाइयाँ देते हैं, क्योंकि आज माँ मरियम का जन्मदिन है। तो विश यू हैप्पी बर्थडे मम्मी। ओके, तो मैं बता रहा था 30 सितंबर को जाएंगे, यहाँ रांची से फ्लाई करेंगे, चेन्नई उतरेंगे, और वापस आने में भी हम लोग चेन्नई से रांची फ़्लाइट में ही आएंगे। और जब हम लोग चेन्नई वहाँ उतर करके तो बस में बैठेंगे, तो वो एसी बस में हम लोग लगातार 6 दिन तक उसी गाड़ी में हम लोग रहेंगे। यानी अरेंजमेंट बहुत अच्छा है और होटल्स बहुत बढ़िया हैं। इसके पहले आप अगर हमारा चैनल में विलंकनी का ग्रुप टूर आप देखे होंगे, तो एकदम हूबहू एकदम सब चीज़ वैसे ही रहेगा। बस तो आप चीज़ों को धन्यवाद देने के लिए माँ मरियम को हमारे साथ आ सकते हैं, जुड़ सकते हैं। और हाँ, और उसमें हम लोगों को लीड करेंगी मिस पूनम मधु तांबा, यानी वो बहुत एक्सपर्ट हैं चेन्नई में, वो तो काफ़ी सालों तक अपना सर्विस दिया है, और तो ट्रैवल लाइन में, टूरिज्म वाले लाइन में बहुत स्ट्रांग पकड़ रखती हैं। तो मुझको अच्छा लगता है जब तो उनका सर्विस मिलता है। इससे पहले वाला सर्विस जो हम लोग 2018 में गए थे अक्टूबर में, तो वो वाला भी उन्हीं का लीडरशिप में हुआ था, बहुत ही अच्छा लगा था। तो मैं नीचे उनका नंबर दे देता हूँ, और उनको संपर्क कीजिए, और वो ही साथ में जाएंगी लेकर के, अच्छे से आप लोगों को घुमा फिरा के ले आएंगी। तो ये कुछ है, ये है 5 अक्टूबर तक आप लोग वापस रांची आ जाएंगे। विशेषकर इसमें अंबिकापुर से तो कुछ लोग जुड़ रहे हैं, रांची से कुछ लोग रहेंगे ऐसा, और तो कुछ लोग रनिया वगैरह से भी रहेंगे, थोड़ा बहुत टीचर्स लोग बहुत हैं। तो इस तरह से अच्छा, आप में से और भी कोई लोग जुड़ना चाहते हैं तो इस वक्त 32,000 रुपीज़ उसका पर हेड कॉस्ट है। और एक चीज़ मैं आपसे सलाह लेना चाहता हूँ, कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइए, जो लोग हमारे साथ होली लैंड टूर में जाना चाहते हैं, कॉस्ट कटिंग के लिए हम लोग पेट्रा को हम लोग स्किप करना चाह रहे हैं, मतलब उसके कारण से कॉस्ट बहुत ज़्यादा भागने लगता है। भले ही हम लोगों का सर्विस अच्छा होगा, अच्छा है, पर जो पैसे लगते हैं वो पैसा थोड़ा सा ज़्यादा लगता है, तो अच्छा नहीं लगता है। यू नो, पैसा आपका निकलता है तो जाहिर है मुझको अच्छा कैसे लगेगा। तो हम लोग जो होली लैंड जाएंगे अगले साल, मतलब चालीसा में भी 1 मार्च से 12 मार्च के बीच में हम लोग रहना चाहते हैं, तो एक दिन घट जाएगा यदि हम लोग पेट्रा को हटा देंगे। और दूसरा, मई महीना में हम लोग जा रहे हैं, 21 मई को निकलेंगे, 1 जून को लौटना चाह रहे हैं, तो 31 मई को ही हम लोग लौट जाएंगे यदि हम लोग पेट्रा को हटा देंगे, लेकिन उसके साथ शर्मल शेख को रह हम लोग ऐड करेंगे ऐसे। और दूसरी बात है कि तीसरी बात है कि हम लोग जो दशहरा में हम लोग जा रहे हैं, तो दशहरा वाला जो तो टाइमिंग है 12 से 22 अक्टूबर तक के लिए, तो वो दशहरा का समय रहेगा, तो उस समय भी आप हमारे साथ होली लैंड आ सकते हैं। और उस समय में अगर एक दिन हम लोग घटा देंगे तो वो 23 अक्टूबर के बजाय हम लोग 22 अक्टूबर को ही लौट जाएंगे। तो आप हम लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताइए कि हम लोग पेट्रा रखेंगे कि नहीं रखेंगे, क्योंकि पेट्रा में देखते हैं 20-25 हज़ार रुपये ऐड हो जाता है, तो जहाँ 1,65,000 के आसपास लगना चाहिए, वहाँ कम से कम 1,80,000-85,000 लग जाता है, तो वो ना लगे, इसलिए तो कमेंट करके ज़रूर बताइए।
कि हम लोगों को पेट्रा ऐड करना चाहिए कि नहीं, क्योंकि और पेट्रा का जो स्पेशलिटी है कि पेट्रा तुम सेवन वंडर्स जैसे ताजमहल है, लीनिंग टावर ऑफ पीसा है, एफिल टावर है, कोलोसियम है, मतलब इसी तरह से पेट्रा है जॉर्डन में एकदम नायाब है सेवन वंडर्स। आपको बता दूँ कि करीब 27-28-30 ऐसे जगहों को चूज़ किया जाता है, उसमें से सेवन को निकालना रहता है कि टॉप सेवन वंडर्स किसको रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं इसको। तो सोचिए 2006 से ही इसको चुना गया है कि सेवन वंडर्स में रखा जाए। तो इसको हम लोग देखते हैं और देखने के बाद में पैसा वसूल हो जाता है। पर आप तो हमारे होली लैंड टूर में इसको देखना चाहते हैं कि नहीं, वो हम लोगों को ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगता है। ओके, सही, ज़रूर बताइए कमेंट करके।